अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की कहानी का आगाज़ करते हैं एक बहरी जहाज से, जिस पर आप मुख्तलिफ रंग के बादबान देख सकते हैं। इन बादबानों से जब हवा टकराती है तो ये जहाज़ समंदरों में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन आज से बहुत 100 सालों पहले एक साइंसदान जिनका नाम था जोहन्स केपलर, उन्होंने 1608 में हमें बताया कि यही जहाज़ स्पेस में भी मूव कर सकेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये जहाज़ स्पेस में हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकेंगे। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि स्पेस में हवा कहाँ से आई, क्योंकि हवा फोर्स एग्जर्ट करती है इन सेल्स पर, इन बागबानों पर, और उस फोर्स के अंडर ये बागबान इस जहाज़ को एक जगह से दूसरी जगह, इस कश्ती को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। लेकिन स्पेस में ज़्यादा हिस्से में तो हवा और गैसेस मौजूद नहीं होती, वैक्यूम मौजूद होता है, तो वहाँ पर बादबानों पे ये फोर्स कौन एग्जर्ट करेगा? ये फोर्स आएगी रोशनी से। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी स्पेस में बे इंतहा सितारे हैं, अरबों सितारे हैं, और उन सितारों से आती है रोशनी, जो कि बनी होती है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। ये फोटॉन्स जब इन बादबानों पर पड़ेंगे, किसी भी ऐसी मटेरियल पर पड़ेंगे जो उनको रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये अपना मोमेंटम, क्योंकि फोटोन मोमेंटम कैरी करता है, वो इन बादबानों को ट्रांसफ़र करेगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्योंकि फोटोन अपना मोमेंटम लूज़ कर रहा है, तो जो उसने मोमेंटम लूज़ किया वो इन बादबानों को ट्रांसफ़र होगा और उस लिहाज से एक फोर्स एग्जर्ट होगी इन पर, जो इनको आगे की तरफ लेकर जाएगी। आपका सवाल ये हो सकता है कि मोमेंटम, और वो भी फोटॉन का मास तो जीरो होता है, इसलिए उसका मोमेंटम तो जीरो होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि वो चीज़ें जो स्पीड ऑफ लाइट के बहुत करीब मूव करती हैं, वहाँ पर हमारी इक्वेशंस में बदलाव आ जाता है। इस पर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ। अब आप फोटोन का, क्योंकि फोटोन स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हैं, इसका मैस और इसकी एनर्जी नॉर्मल इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि आपको इसके लिए एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें आपके पास एडिशनल टर्म्स आएंगे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी आएगी और रेस्ट मास एनर्जी भी आएगी। जब हम इसके मोमेंटम को जीरो इसमें इक्वेट करेंगे, तब भी हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू आएगी, और उसके साथ साथ हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता है कि एक फोटोन, एक एनर्जी पैकेट की जो एनर्जी है वो प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी है। तो इन दोनों को इक्वेट करके हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। तो फोटॉन का मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय उस लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है कि वो किस वेवलेंथ का फोटॉन है। मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि एच एक कांस्टेंट है, तो इसको हम कांस्टेंट के तौर पर अगर लें, तो हमारे पास जब ये चीज़ बड़ी होगी, वेवलेंथ बड़ी होगी, तो मोमेंटम कम होगा, और जब वेवलेंथ कम होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि वो लाइट, वो रोशनी जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्पल लाइट है, उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा, उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। और इसी तरीके से जब हम रेड लाइट की तरफ मूव करेंगे, तो रेड लाइट के फोटोन अगर इन सेल से टकराएंगे तो वो कम मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि उनके अंदर कम एनर्जी मौजूद है। लेकिन इन सेल्स में भी कुछ खसूसियात होनी चाहिए। पहली खसूसियत ये है कि ये बहुत पतले और कम वेट के होने चाहिए, इसलिए इनको एक ख़ास किस्म के पॉलिएस्टर फिल्म से बनाया जाता है, और उसके साथ साथ इन्हें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन देनी चाहिए, बिल्कुल एक मिरर की तरह होने चाहिए, ताकि फोटोन आके इनसे टकराएं और वापस जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम इनको ट्रांसफ़र कर सकें। क्योंकि स्पेस में हवा तो मौजूद नहीं, इसलिए इनके लिए ड्रैग फोर्स जीरो है, तो हल्का सा मोमेंटम जब इनको मिलेगा तो ये मूव करना शुरू कर देंगे और काफ़ी तेज़ स्पीड से मूव करेंगे, जिसे हम आगे देखेंगे भी। इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि फोटोन किस एंगल के साथ इंसिडेंट कर रहे हैं, यानी इनसे टकराने का एंगल, उस पर भी इनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो अगर फोटोन इस एंगल से आएंगे, इनकी ये जो सरफेस है इसके पैरेलल आएंगे, तो मोमेंटम बहुत कम होगा। लेकिन अगर फोटोन, आप देखिए, इसके नॉर्मल आएंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम मोमेंटम इस सेल्स में, इस बाद में ट्रांसफ़र होगा और ये बहुत तेज़ी से आगे मूव करेगा। तो फोटोन का एंगल भी बहुत अहम है। बहुत सी ऐसी कहानियां, फिक्शन स्टोरीज लिखी गई, जिनमें बताया गया कि एक दिन इंसान सोलर सेल्स की मदद में स्पेस में ट्रैवल करेगा,
इनमें 1964 में एक और थे जिनका नाम सी क्लार्क है, उनकी शक्ल में आपको दिखा रहा हूँ, इन्होंने भी कहानी लिखी। और उसके बाद होते होते हम 1980 में, जहां पर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम कार्ल सैगन है, कार्ल सैगन ने एक कंपनी की बुनियाद रखी जिसे द प्लेनेटरी सोसाइटी कहते हैं, जो आज भी मौजूद है। और इन्होंने पहली मर्तबा सोलर सेल का एक मॉडल हमें दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टीवी शो में ये सोलर सेल का मॉडल हमें बता रहे हैं। और उसके बाद इस पर मुख्तलिफ किस्म की ड्राइंग्स बनाई गई, मुख्तलिफ कॉन्सेप्शंस दी गई, ताकि उनमें हम रॉकेट्स के साथ सोलर सेल्स लगा रहे हैं। तो अब हमारा रॉकेट ईंधन जलाकर स्पेस में ट्रेवल नहीं करेगा, बल्कि वो इन सोलर सेल्स की मदद से बगैर कोई ईंधन जलाए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा। तो मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्शंस दिखा रहा हूँ, और इसमें आपको हर जगह पर सोलर सेल बादबान नजर आ रहे हैं। लेकिन हमने पहला बादबान भेजने की ठानी 1999 में, जिसका नाम था कॉस्मोस वन। सेंसर्स नजर आएंगे, कैमरास नजर आएंगे, आपको यहाँ पर सेल्स भी नजर आ रहे हैं, ये बादबान है, इनसे बादबान निकलेंगे। और उसके साथ आपको सोलर पैनल्स भी नजर आएंगे, क्योंकि सोलर पैनल्स की मदद से हम इन सेंसर को हर वक्त पावर दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर एंटीनास भी देख सकते हैं। और एक रॉकेट के जरिए इस बादबान को भेजना था और स्पेस में हमने डिप्लॉय करना था, लेकिन ये स्पेस प्रोग्राम मुकम्मल ना हो सका, क्योंकि इसका रॉकेट ज़मीन में ही तबाह हो गया। और उसके बाद जापानीज़ का एक प्रोजेक्ट आया जिसे हम इकारोस कहते हैं। इसे 2010 में लॉन्च किया गया, और इसने एक स्पेस बादबान स्पेस में छोड़ा, जो कि बाद में मुख्तलिफ प्लैनेट से भी गुजरेगा। अगर आप देख सकें, इसका नाम है इंटर प्लैनेटरी काइट क्राफ्ट एक्सेलरेटेड बाय रेडिएशन ऑफ द सन। तो ये एक पतंग है जो कि सूरज की रेडिएशन से मूव करेगा स्पेस में। और फिर हमने लाइट सेल वन एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें हमने एटलस फाइव रॉकेट के साथ एक सोलर सेल को स्पेस में छोड़ा। इसी साल 2019 में जुलाई में हमने लाइट सेल टू को स्पेस में छोड़ा। और ये जो बादबान है, ये 240,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से स्पेस में मूव करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड है। इसका अंदाज़ा मैं आपको यहाँ से दे सकता हूँ कि वॉयजर, जो कि हमने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, उसको 40 साल लगे प्लूटो तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर हम ये बादबान प्लूटो तक भेजें, तो ये 20 सालों में वहां पर पहुंच जाएगा। और इसको कोई फ्यूल नहीं चाहिए, इसको सिर्फ सूरज की रोशनी चाहिए होगी। तो मैं आपको यहां पर बिल नाय दिखा रहा हूं, जो कि अब प्लेनेटरी कंपनी के मालिक हैं, और इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। और 2019 में हमने लाइट सेल टू को भेजा है। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे ये बादबान बड़े होते जाएंगे, और इनका जो आप साइज देख रहे हैं, वो आईफल टावर से भी बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे हम इसमें और तरक्की करेंगे, क्योंकि इनके ज़रिए हम एक निज़ाम शमसी से दूसरे निज़ाम शमसी तक भी जाएंगे। फ्यूचर जो स्पेस ट्रैवल का है, वो इनसे ताल्लुक़ रखता है, हर जगह पर इनकी बातचीत हो रही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास बीच में एक छोटी सी सेटेलाइट है। ये सेटेलाइट 5 किलोग्राम की है, इसमें आपके पास सोलर पैनल्स है जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स को हमेशा, और इसमें कई जगहों पर आयन इंजन का इस्तेमाल भी किया जाता है। और आप इर्द गिर्द देख सकते हैं, तो आपको बहुत बड़े बड़े बादबान नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक कबाहत भी है, और वो भी एक फिजिक्स का लॉ है जिसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, जिसका मतलब जैसे जैसे हम सूरज से दूर होंगे, उसकी रोशनी की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इस पर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो जब हम सूरज से दूर होंगे और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ उसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि सूरज की रोशनी के साथ इसे निज़ामे शमसी की बाउंड्री से आगे लेकर जाना, क्योंकि कम से कम फोटॉन सेल से टकराएंगे, बादबानों से टकराएंगे, इसलिए उसको पूरी एनर्जी नहीं मिल सकेगी। तो जब हम सूरज के करीब होंगे, तो ये बादबान बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम सूरज से दूर होते जाएंगे, इन बादबानों की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। 2020 में हम इन पर बहुत रिसर्च कर रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि इन बादबानों के ज़रिए हम मुख्तलिफ किस्म के एस्ट्रॉयड्स पर तहकीक कर सकते हैं, उनसे माइनिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी मिनरल्स मौजूद है, और ये भी देख सकते हैं कि क्या वो मुस्तकबिल में ज़मीन से टकरा सकते हैं। इसी तरीके से एक और मसला जो हमें आ रहा है, उसमें जब हमने इनको लॉन्च किया, तो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इनका ऑर्बिट रेज होता गया, और उसकी वजह यह है कि जब ये मूव करते हैं, तो आधे डायरेक्शन में देखें आप, ये सर्कुलर इनकी मूवमेंट है, तो आप देखें कि यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन है बादबान की, उस पर रोशनी सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पर इसका मोमेंटम ज़्यादा ट्रांसफर होता है और इसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ होती है। लेकिन फिर उसके बाद जब ये यहाँ पर जाता है, तो अब रोशनी जो है, तो रोशनी इसके ऊपर नॉर्मली नहीं पड़ रही, इंसिडेंट नहीं हो रही, तो इस वजह से यहाँ पर इसकी स्पीड कम हो जाती है, और इस वजह से इसका
जो ऑर्बिट है वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ को बढ़ना शुरू हो जाता है, रेज होना शुरू हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ ये जमीन की एटमॉस्फेयर के करीब आ जाता है और हमें ये लगता है कि बहुत जल्द ये जमीन के एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा और तबाह हो जाएगा। इस पर साइंसदान बहुत सी रिसर्च कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं। एक और जो एप्लीकेशन इन बागबानों की है वो कुछ लंगराजिस पॉइंट है। कुछ ऐसे पॉइंट्स मौजूद होते हैं सूरज और दूसरे प्लैनेट्स के बीच में जहां पर ग्रेविटी बराबर होती है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी ये पॉइंट है। जमीन से पहले भी L1 लंगराजिस पॉइंट आपको यहां पर कई नजर आ रहे, 4-5 लंगराजिस पॉइंट आपको नजर आ रहे, तो L1 एक लंगराज पॉइंट है। अगर मैं इस बागबान को यहां पर खड़ा कर दूं तो ये सूरज के गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा जमीन के साथ साथ, क्योंकि इस पर ग्रेविटी दोनों की बराबर है और सूरज से आने वाले जो सोलर फ्लेयर्स हैं, सोलर स्टॉर्म्स हैं, वो हमें ये जो यहाँ पर सेटेलाइट होगी वो पहले बता देगी, क्योंकि वो इनसे तकरीबन 2 घंटे पहले टकरा जाएंगे। तो हमें 2 घंटे का मार्जिन मिल जाएगा और हमें ज़मीन पर 2 घंटे पहले पता चल जाएगा कि एक मैग्नेटिक स्टॉर्म आ रहा है, एक सोलर स्टॉर्म हमारी तरफ आ रहा है और हम उससे बचाव की कुछ ना कुछ एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे मुस्तकबिल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मार्स के गेटवेज हैं, सोलर प्रोब्स हैं और इसी तरीके से लूनर प्रोब्स और गेटवेज हैं, उन सब पर ये वो सारे के सारे स्पेस प्रोग्राम्स हैं जो कि मार्स तक, चांद तक और सूर्य तक जाएंगे। इनमें भी इन सोलर सेल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और इसके साथ साथ आखिर में मैं आपको एक और टेक्नोलॉजी के बारे में बता दूँ, और वो टेक्नोलॉजी है लेज़र गाइडेड सेल, यानी कि हम ज़मीन से ऐसी लेज़र प्रोड्यूस करेंगे जो कि इनके ऊपर मुस्तकिल पड़ती जाएंगी और हम इनको इस रोशनी की मदद से दूर दराज स्पेस में भेजते जाएंगे। अब सूरज की शुआएं तो आ रही हैं लेकिन ज़मीन से हम गाइडेड लेज़र के ज़रिए भी इनको दूर तक लेके जा सकते हैं और इस पर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल चार्ज के ज़रिए भी हम इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, जिन पर मैं आने वाले वक्तों में वीडियो बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन आपने कमेंट्स में ये ज़रूर बताना है कि इलेक्ट्रिक सेल यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के जरिए बागबानों को मूव कराना क्या ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।